भारत में अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाने वाला दोस्ती का यह दिन दोस्तों के लिए खास मायने रखता है। इस वर्ष दोस्ती का यह त्यौहार हमारे देश में 4 अगस्त को मनाया गया है। यह दिन दोस्ती के इस खूबसूरत बंधन को मनाने का है। दोस्तों के बीच भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दोस्ती की कीमत बहुत बड़ी होती है। एक सच्चा दोस्त आपके सुख में ही नहीं, बल्कि आपके दुख में भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। जरा सोचकर देखिए, दोस्तों के बिना आपकी जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। हम किसके साथ अपने दिल की बातों को शेयर करेंगे और बातों बातों पर किसकी टांग खींचेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम दोस्तों के साथ बड़े आराम से शेयर करते हैं। फ्रेंडशिप डे को थोड़ा अलग ढंग से मनाएं और अपने दोस्त को बताएं कि आप उसको कितना महत्व देते हैं। दोस्ती हमारे लिए सब कुछ है। यह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, क्योंकि वो हमारी पसंद को प्रभावित कर सकते हैं और खुद को बारे में जानने में हमारी मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों को समझदारी से चुनें। एक कहावत है, जो बुद्धिमान के साथ चलता है वह बुद्धिमान होता है, लेकिन मूर्खों का एक साथी मूर्ख ही होता है। आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उसे नहीं चुन सकते, लेकिन आप हमेशा अपने दोस्तों को चुन सकते हैं। कोशिश करें कि अपने जीवन में अच्छे दोस्त बनाएं जो आपके बुरे आदतों से दूर रखेंगे। यदि आप अपने जीवन में गलत लोगों के साथ रहते हैं तो कुछ चीजें आपके जीवन में समाप्त हो जाएगी, जैसे कि आपका आनंद, शांति, प्रेम और आशा, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता रखोगे उन्हीं के जैसे बनोगे। हमेशा दयालुता दिखाएं। दयालुता दिखाने से आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, लेकिन का वो एक व्यक्ति के सोच को बदल सकता है जो किसी न किसी खराब परिस्थिति से गुजर रहा होता है। कोशिश करें कि उन्हें ऐसा कोई भी बात ना बोले जिससे उनकी समस्या बढ़ जाए, इसके बजाय उनके जीवन को आसान बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ऐसे चीजों को ध्यान का दे जिससे उन्हें तकलीफ होती है। ईमानदारी से रहें। जॉन लेनन ने कहा था, ईमानदार होने से आपको बहुत दोस्त नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे बहुत सच्चे मिलेंगे। एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती ईमानदारी से ही बनाया जा सकता है। आपको दोस्ती हासिल करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में आपका सच्चा दोस्त होगा वो आपको खुद हर चीज का स्वतंत्रता देगा और आपकी अहमियत को बताएगा। आभार व्यक्त करें। अपने दोस्तों को बताएं कि आप अपनी दोस्ती को कितना महत्व देते हैं। उन्हें नोट लिखें या उन्हें अपने पसंदीदा स्थानों में से कहीं एक जगह दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाएं। जो आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, उन लोगों के लिए समय निकालना और उनको धन्यवाद देना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी दोस्ती लंबे समय तक बने रहेगी। गलती स्वीकार करें और माफी मांगें। कभी कभी जब कोई दोस्त आपके किसी बात से नाराज हो जाता है तो वह चाहता है कि आप उससे माफी मांगे। जब आप दोस्त के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसे स्वीकार करें और उससे माफी मांगना सीखें, ना कि अभिमान में आकर दोस्ती ही तोड़ लें। दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही अनमोल होता है। अपने थोड़े से अभिमान के कारण इस रिश्ते को कभी ना तोड़ें। अच्छी दोस्ती के बीच में अभिमान कभी नहीं होना चाहिए।